मेरा नाम कमल किशोर है, मैं वार्ड नंबर 3 बसोली में रहता हूँ। ये लगभग 1990 से ये हमने काम स्टार्ट किया है और रजिस्ट्रेशन जो है इसकी यानी कि अक्टूबर 2017 में हमने की थी, जो कि द चरखा कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम से है। रॉ मटेरियल जो है ज़्यादातर ले से ही लाते हैं और सबसे पहले रॉ जो है इसमें एक फाइबर होता है और इसमें हेयर होता है, और जब हम ले से लाते हैं इसको शॉर्टिंग कराते हैं, छटाई कराते हैं, बाल जो हैं वो इसका अलग कर देते हैं और जो फाइबर जो है इसका अलग कर देते हैं। अगर एक केजी अगर जो पश्म है तो उसमें से यानी कि आधा किलो जो है ये हेयर रहते हैं और आधा किलो जो है वो फाइबर रहता है। उसके बाद फाइबर जो है उसको हम कार्डिंग या कंबिंग कराते हैं, जो कि हमारे J&K में नहीं पड़ता है, वो हम हिमाचल में जाते हैं, जैसे कुल्लू में है, मंडी में है, शिमला में है, और वो फाइबर लेके जब हम वहाँ पे कंबिंग कराते हैं या कार्डिंग कराते हैं तो उसका भी यानी कि 50% रहता है। मान लीजिए अगर हम फाइबर जो है वो 50 ग्राम लिया है तो उसका यानी कि बड़ी मुश्किल के साथ 200-250 ग्राम जो है वो फाइबर रहता है और उसकी पूनी बनती है, और पूनी के बाद जो है हम इसको कताई कराते हैं। डिपार्टमेंट जो है जो हमारी हेल्प करते हैं एग्जीबिशन के द्वारा, जैसे AD साहब कठुआ में, डायरेक्टर साहब जम्मू वाले हैं, अभी हम हाल ही में हम दिल्ली में प्रगति मैदान में गए थे, वहाँ पर इंटरफेयर ट्रेड एग्जीबिशन लगी थी, तो इस तरह से ये हमें आगे कहीं और एग्जीबिशन जो है भेजते रहते हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से हमें लोन की सुविधा भी मिलती है। दूसरा ये कि जब अभी जो कोविड का टाइम है तो उन्होंने हमें कारखाना दार की एक स्कीम दी, उसमें 2000 रुपया पर मंथ जो है वो लेडी को हम देते हैं और 2000 पर मंथ जो है वो ट्रेनिंग मास्टर जो है हम उसे देते हैं। तो इस तरह से वो 6 महीने की स्कीम है, उसमें से कम से कम कोई 10 ट्रेनिंग उन्होंने रखाए हैं, जो कि हमारा ट्रेनिंग सेंटर जो है वो नगरोटा में है। मेरा नाम नीलम रानी, इस जगह का नाम नगरोटा बसोली। असि एक पश्मीना काम करते, असि कोई 30-31 साल हो गए काम करते। रा पश्मीना ये ले तो मिलता जिथे -0 टेंपरेचर पर गोट बकरी रहती, उसका ये निकलता, ये अद्धे तो ज़्यादा बाल होंगे तो अद्धे तो घट ये फाइबर होंगे। असी फिर इन्हों की स्टार्टिंग करके फिर ये चो ये फाइबर निकलता तो ये वेस्टेज निकलती है। फिर असी पंजाई कराने की हिमाचल जाने पौंदा, जिया मंडी है ये कंजाई मशीन, असी मंडी जाते उत्थे असी पंजाई करवाते, फिर उसके बाद ये पूनी बनती, फिर उसके बाद असी चरखे पर लियांदे, ये चरखे पर ये कताई होंगी, स्पिनिंग सारी ये चरखे पर होंगी, फिर उसके बाद असी इनू डबल करने, डबल करके ये पिंडू लगाते, फिर उसके बाद ये ट्विस्ट बिठाई होंगी, तानी वास्ते बिठाई होंगी, इहदी नलकी बनाते, फिर ये अट्टी ये ऊरी पर लगाने पौंदी इसी माया देने वास्ते, ये माया देइए इहदी तानी लगाते असी, फिर ये 8-10 छाल लगते, इस तो ज़्यादा नहीं लगते क्योंकि इहदा धागा नाजुक हुंदा, फिर इसनू तां इहदे पर एक खड्डी पर आती है, खड्डी पर तानी लगाइए, ये चरखे पर इहदी नलकी भरदे, वह इहदे विच बुनाई चलती है। शाल जिस तरह उतरदा फिर सफाई करनी पौंदी है, धागा दिखने पौंदा कित्थे टुटे दा, वो धागा पाने पौंदा है, फिर धुलाई करके फिनिशिंग करके फिर इहदा शाल पूरा तैयार होंदा है। दस लेडीज़ असी रखे दी ट्रेन करने की, तो ये दो असी खड्डी वास्ते रखे दे, इन्हां नूं ट्रेंड कराना असी इन्हां नूं, तो गवर्नमेंट भी दिंदी इन्हां नूं स्टाइफंड दिंदी 2000 रुपया पर मंथ, इन्हां नूं 10 नूं मिलना,
तो जिन्ना इन्हों मिलना उन्ना सानू बेनीफिट इन नाल मिलना। साड़ा एक यूनिट घर भी है, असं बनाते शाल सारे उत्थे बनते हैं। ये तो कारखानादार स्कीम बिच है ये खड्डी, तो असं इन्हों सिखाए करने इतने, तो असं बेचने दिल्ली ज़्यादातर। साढ़े जेडे लिमिटेड फर्म गौरमेंट करने अटैच, असं उन्होंने ही दिने समान सारा। पहले तो असं अपने लेवल पर ही करते रहे काम, फिर असं सोसाइटी रजिस्टर्ड कराए। असं हुण प्रगति मैदान में असं एग्जीबिशन लगाएंगे। सानू उहदे तो पता लग्या कि जो भी कस्टमर आंदा वह पुछदा कि इहदी की प्योरिटी की गरंटी की है। असं थोड़ा ये कोशिश करने ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਕੰਨੇ ਮਿਲੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਆਈ ਟੈਗਿੰਗ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ 100% ਪਿਓਰ ਹੈ। मेरा नाम भूविंदर कुमार है। इस कलस्टर का नाम है ब्लॉक लैवल कलस्टर मानपुर। इसकी इंप्लीमेंटिंग सोसायटी का नाम है MS हरिओम पशमीना हैंडलूम इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसायटी मारता नगरोटा। ये तहसील बसोली च है। इस टाइम साड़ी सोसायटी में 46 बंदे रजिस्टर हैंडलूम डिपार्टमेंट के थ्रू और 205 बंदे साढ़े को कलस्टर दे। और ये लोग इधर हैंडलूम वीविंग सीखते, बसोली शॉल बनाना, जेंट्स शॉल बनाना, मुफलर बनाना, स्टॉल बनाना, ये सब समान इधर बनाते। इधर मिक्स शॉल भी बनाने असं, हूँ ये असं कुल्लू पैटर्न भी इनवॉल्व किया। ये सब समान इधर असं बनाने होंने, ये सब हैंडमेड बनाने खड्डी उपर बनाने होंने असं। इधर रॉ मटीरियल अगर असं प्योर लैना हो, इधर साढ़े हिमाचल नियर बाई सराउंडिंग काफ़ी सारी मिल्स न, सुंदरनगर न, मंडी काफ़ी ज्यादा जगह, अस उनके कोल धागा मंगवाने होंने। वो फिर असं धागा इधर असं बनाने होंने, उन्होंने जो भी प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट बनाया, शॉल बनाया, जो वट एवर इट इज़। उस तो बाद फिर ये जो प्रोडक्ट बनाने होंने, ये असं या मैक्सिमम एग्जीबिशन बेचने होंने, ऑनलाइन भी बेचते थोड़ा बहुत, या कोई लोकल मार्केट, मतलब ज़्यादा काम जो होंगे एग्जीबिशन ही होंगे। डिपार्टमेंट हर एक तरफ इसकी सपोर्ट ही सपोर्ट है। जियां असीं शेयर कैपिटल लोन सानू गवर्नमेंट प्रोवाइड करती, लोन फॉर लूम्स प्रोवाइड करती, साड़ी कोई खड्डी शड्डी खराब हो या कुछ मतलब इन्हें थोड़ा डिफेक्ट वगैरह आया, सानू गवर्नमेंट इहदे विच लोन प्रोवाइड करती है ताकि असीं उहदी रिपेयर वगैरह करा लईए। जिहड़े इधर मैंबर रजिस्टर होते हैंडलूम डिपार्टमेंट के थ्रू साड़ी सोसायटी है कलस्टर विच, जिहड़े उहदे बच्चे हो गए अप टू 12 तक, उन्हें बच्चों को स्कॉलरशिप भी है। ये लोन केस लेंदे, इहदे उपर अप्रूव कराते, जिहदे विच 7% नियर अबाउट सबसिडी मिलदी ने लोकें। ये सब स्कीम ने लोकें इधर डिपार्टमेंट के थ्रू सानू प्रोवाइड होवा दियां। मेरा नाम रमेश कुमार जी, ठीक है। इस जगह ना वार्ड नंबर 8 है बसोली, असं बसोली के रहने वाले हैं। असं सोसायटी काम करने, इधर ही काम करने इतने बसोली। काम असं करने इतने कोई 10-12 कारीगर हैं, असं कोई 8-9 साढ़े लेडीज भी हैं। अच्छा प्योर भी शाल बनाना सी, मिक्स भी बनता। अच्छा जो जो डिमांड हुआ उस हिसाब में अभी बनाने, मफलर भी बनाने, जो स्टाल चले दिन वह 30 इंच अर्ज होता, 8 इंच भी लंबाई होंगी। अच्छा जो असी पश्मीना से कताना जनानी से कोई 150 जनानी साढ़े शायद सेंटर से वो असं ले तो लेने। जो जो धागा से भी मिक्स बनाना हो वो पाना, वह असं लुधियाने का भी लिया धागा, सुंदरनगर का भी लिया। जो कच्चा माल लेना साढ़ा लेह का आता माल, वो आता गर्मी च, इन्हें दिन सर्दियों नहीं आता माल, क्योंकि उतना बर्फ पी गई होती। बेचना तरीका भी जिस जिस हिसाब ने असं दुकाना बेचना, जो असं लेह बेचना जाएगी, लेह भी माल बिकता भी जाएगी, दुबारी शाल लेह भी बिकते, जम्मू भी बिकते। फिर असं जी साड़ी नवैशा लगती उधर भी बेचने, दिल्ली जम्मू बेचने, फिर उस तो बाद जो बाहर बेचने होने शाल उधर भी अं जाई सकने, सर्च काट होंगे बने। अगर अभी लोन लेना हो नहीं साकी इतनी दिक्कत नहीं पड़ती, जो और लेना होगा लोकल बंद ने लोन, वो कहते सरकारी ले आओ, कोई मास्टर लिया जो कुछ भी, वो गवाही देंगे लोन देना। असं साकी अभी बगैर गवाही अभी लोन सैक्शन कराई सकते।
क्या कहते सोसायटी काम करा ने 10-12 साल हो जी अस इतनी कोई दिक्कत नहीं पाते बैंक जाइए इन्ना का फायदा अभी ले नहीं खरीद होने का सारे मतलब होता भी हूँ अं जिया हूँ साढ़े आइए 20 साल आइए 100 साल आइए 200 साल आई है हूँ हिसाबे क्या साड़ी उधर सेल हो जाती सोन लाल है मैं यहाँ पे इंचार्ज इंस्ट्रक्टर हूँ पश्मीना ट्रेनिंग सेंटर बसोली में ये 1 जनवरी से ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट हुआ है जहाँ की पब्लिक डिमांड पे डायरेक्टर साहब ने ये ट्रेनिंग सेंटर जो है वो स्टार्ट किया है। माय ट्रेनिंग सेंटर में 20 कैंडिडेट्स होते हैं और 1 साल का ड्यूरेशन होता है और उनके ट्रेनिंग के दौरान उनको 1000 उनको स्टाइपेंड भी मिलते हैं और उनको मतलब सारी प्रोसेस हम बताते हैं। स्पिनिंग हो गई, वाइंडिंग हो गई, बार्पिंग हो गई, लूम के ऊपर क्या क्या प्रोसेस होती है। जब उनका 1 साल का ड्यूरेशन हो जाता है कंप्लीट और ट्रेनिंग्स को क्या करते हैं उनको कॉपरेटिव सोसाइटी जो होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनके फ्रेम कर देती है इन ऑर्डर टू जनरेट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो उसके लिए हम कॉपरेटिव सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट जो है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दे रही है जैसे अभी 1 लाख दे रही है 50,000 1 इंस्टॉलमेंट है 50,000 नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में देती है तो अपना भी ताकि कॉपरेटिव सोसाइटी को एस्टेब्लिश कर सके। हमारे स्कीम्स भी हैं जैसे आर्टिजन क्रेडिट कार्ड की स्कीम्स हैं उसमें जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको यूनिट एस्टेब्लिश करना है उसमें 2 लाख का जो है स्कीम है तो 2 लाख जो है 5 साल का ड्यूरेशन होगा 5 साल में आपको रीपे करना है उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी है 7%। तो जिसमें 5 साल का ड्यूरेशन रहता है काफ़ी अच्छी स्कीम है। उसी के बाद हमारे प्रधानमंत्री बीवर मुद्रा स्कीम में क्या है शिशु है तरुण है किशोर है इसमें अप टू 5 लाख तक कवर करता है ये स्कीम। इसमें ड्यूरेशन 3 साल का रहता है और 7% इंटरेस्ट है बहुत ही कम इंटरेस्ट है जिस हमारे साथ डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं।